हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू बैक माय अदर वीडियो। सो गाइस, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं सैमसंग ऐप बासस कॉन्टैक्ट प्रॉब्लम। अगर गाइस आपने सैमसंग का ऐप बासडर जो परचेस कर लिया और गाइस आपको एक प्रॉब्लम आ रहा है कॉन्टैक्ट का, और गाइस आपके फ़ोन में जो कॉन्टैक्ट यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं जो आपके सिम में डले हुए हैं, और गाइस आपने अपने जीमेल पे कॉन्टैक्ट डाल रखे हैं बट आप ट्राई कर रहे हो अपने सिम में, आप ये भी ट्राई कर लेंगे या आपने अपने जो कॉन्टैक्ट है जीमेल पे तो डाल दिया, अपने जीमेल भी यहाँ पे रजिस्टर करके देख लेना इस फोन में, उसके बाद गाइस आपका जो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और गाइस इसमें आपको मैं दो तरीके बताऊंगा, दो तरीके में आपका एक ना एक तरीके से वर्क करेगा। गाइस जो मैं आपको सेकंड तरीका बताऊंगा ना, वो अगर आपने तरीका फॉलो कर लिया तो आपका जो कॉन्टैक्ट है 110% बाईपास हो जाएगा प्रॉब्लम आपका। बस ये मेरी गारंटी है गाइस, वो जो तरीका मैं बताऊंगा वो आपको फॉलो कर लेना बस। और गाइस फिर भी अगर आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, गाइस उसका जो मैं रिप्लाई दे दूंगा। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे मैं देखूंगा डायल पैड में जाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे मैं डायल पैड पर जाऊंगा, इस तरह का इंटरफेस आएगा, साइड में गाइस बन जाऊंगा पे थ्री डॉट। जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा साइड बार थ्री डॉट पे, तो गाइस मेरा यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा कॉन्टैक्ट पे। जैसे मैं क्लिक करूंगा गाइस यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने आ चुका है। और गाइस यहाँ जैसे यहाँ पे मैं सेटिंग में क्लिक करूंगा, सेटिंग में क्लिक करने वाला गाइस मेरा फोन में यहाँ पे एक न्यू इंटरफेस खुल के आएगा। और गाइस मेरे ऊपर में यहाँ पे फोन में लगाएगा फ्लाइट मोड, किसी का फोन ना आ जाए। तो गाइस यहाँ पे जैसे मैं सेटिंग में क्लिक करूंगा इस तरह का इंटरफेस आपके फोन में आ जाएगा। और गाइस यहाँ पे मैं जो इंटरफेस यहाँ पे हाइड हो रखा है क्योंकि गाइस मेरा यहाँ फोन में फ्लाइट मोड लगा हुआ है। गाइस जैसे गाइस यहाँ से मैं अपना फ्लाइट मोड हटा दूंगा, ऊपर से मेरे यहाँ पे पूरे ऊपर यहाँ पे जो यहाँ पे इंटरफेस यहाँ पर दिखने लगेगा। गाइस आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट यहाँ पे जो दिख रहा होगा यहाँ पे, गाइस अगर आपको यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का यहाँ पे ऑप्शन अगर आपको दिखता तो यहाँ से आप कर सकते हो, बट गाइस आपके सामने यहाँ पे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि मैं यहाँ पे ट्राई करके देख लिया। हालांकि आपके फोन में अपडेट होने के बाद आपके फोन में यहाँ पर शो हो सकता है, इसलिए गाइस मैं आपसे बोल रहा हूँ वो आप यहाँ आपको देख लेना कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा। तो उसके बाद यहाँ आपको बैक आने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना आपको। जैसे यहाँ पे आप एक बार स्क्रॉल नीचे को डाउन करोगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे सर्च बारे में आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट लिख देना है गाइस। ये आपके फोन में आप कॉन्टैक्ट का एप्लीकेशन ये मिलेगा आपको वहाँ पे देख लेना, कहीं भी अगर आपको ये कॉन्टैक्ट का एप्लीकेशन मिलता है तो वहाँ पे आपको जैसे ही क्लिक करोगे गाइस, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। गाइस वहाँ पे देखो साइड में बने हुए थ्री डॉट, सॉरी थ्री लाइन से बनी हुई है। जैसे गाइस यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे पूरे ऊपर यहाँ पे आपको पूरा पूरा मसला यहाँ पे आपको मालूम पड़ जाएगा हमारे फोन में कैसे कैसे कॉन्टैक्ट में ऐड हो रखे हैं। अब गाइस जैसे गाइस यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मेरे जीमेल आईडी पे यहाँ पे 128 कॉन्टैक्ट है, और गाइस मैं यहाँ से आपको और तरीके दिखाऊंगा जिस इस तरीके से गाइस देखोगे तो मेरी फर्स्ट वाली सिम में यहाँ पे 147 कॉन्टैक्ट, सेकंड वाली सिम में मेरे 12 कॉन्टैक्ट है, और मेरे यहाँ पे 128 कॉन्टैक्ट है, और सेकंड गूगल आईडी उसमें कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, और जो एक और एक गूगल आईडी इसमें लगी हुई है उसमें 130 कॉन्टैक्ट है। तो बस यहाँ से अपना पूरा पूरा यहाँ पे चेक कर सकते हो आपको कौन सी आईडी कौन सी सिम के यहाँ पे कंटेंट आपको इंपोर्ट करने है एक्सपोर्ट करना है वो यहाँ से आप आसानी से कर सकते हो। और वैसे आपको अगर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको नहीं दिख रहा है तो आपको एक बार बैक जाना, दोबारा आपको वीडियो अच्छे से देखनी है। और गाइस मैंने मैनेज कॉन्टैक्ट, जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है मैं आपको बता दूँ। जैसे आपको फर्स्ट वाले कॉन्टैक्ट यहाँ पे दिख रहा होगा और सेकंड में आपको कॉन्टैक्ट ऑप्शन देगा, सेकंड वाले पे आपको क्लिक करना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। जैसे गाइस आपको अगर आपने फोन इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट क्लिक कर सकते हो, एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट वाला क्लिक कर सकते हो। अब गाइस यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी जो सिम है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, फर्स्ट सेकंड जो भी आपकी सिम है उस सिम को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। जैसे आपके फर्स्ट वाले में सिम में कॉन्टैक्ट है, सेकंड वाली सिम में कॉन्टैक्ट वो आपको पता होगा। तो जैसे यहाँ पे मैं क्लास क्लिक करूँगा मेरे सामने ऊपर ऑल सेलेक्ट का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। अब गाइस जैसे यहाँ पे मैं ऑल सेलेक्ट पे यहाँ पे क्लिक कर दूँगा सारे सारे कॉन्टैक्ट में यहाँ पे सेलेक्ट हो चुके हैं। अब गाइस यहाँ से मुझे सिर्फ यहाँ पे डन पर क्लिक करना है। जैसे मैं डन पर क्लिक करूँगा मेरे पूरे पूरे कॉन्टैक्ट यहाँ पे गाइस यहाँ पे ये इंपोर्ट या जो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ वो हो जाएंगे गाइस। तो गाइस जितना भी मैंने ये प्रोसेस आपको बताया वो प्रोसेस आप करके देख लेना है। आप इस प्रोसेस के बाद आपका प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। आपको लगता है आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, अब गाइस मैं आपको सेकंड जो तरीका बताऊंगा वो बिल्कुल जेन्युइन तरीका। आपको जाना प्ले स्टोर पर, अगर जैसे आप प्ले स्टोर पर जाओगे तो यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा कॉन्टैक्ट का। गाइस ये सभी एंड्रॉइड फोन में वर्क करता है, आईफोन छोड़ के बाकी सभी एंड्रॉइड फोन में ये वर्क करेगा ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे गाइस यहाँ पे गूगल का ये एप्लीकेशन LLC गूगल यहाँ पे लिखा होना चाहिए, जब भी आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद गाइस इसे आपको इंस्टॉल करने के बाद ऐसे ओपन कर दोगे। जैसे आप ओपन कर दोगे आपके सारे सारे कॉन्टैक्ट ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा, जो भी आप अपनी आईडी रजिस्टर करोगे साड़ी के हिसाब से ऑटोमेटिक सारे सारे कॉन्टैक्ट यहाँ पे ले लेगा, वो आपको यहाँ पे ट्राई करके देख लेना है। और गाइस यहाँ पे अपनी ये अपनी आईडी यहाँ पे मैंने करके देख सकते हो फर्स्ट या सेकंड, जैसे मैं आईडी में जैसे मेरे फर्स्ट वाले कॉन्टैक्ट यहाँ पे आपको देख रहे हैं जैसे ब्रज मोहन यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मेरे आईडी का नाम टेक्निकल इसी तरह से यहाँ पे आपको बना हुआ है। और जैसे मैंने यहाँ पे सेकंड आईडी यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो सेकंड आईडी पे मेरे यहाँ पे कॉन्टैक्ट दिख रहे हैं गाइस, आपको यहाँ से यहाँ पर ट्राई कर लेना है। बट यहाँ पे गाइस मैं जो अदर एक आईडी पे यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया गाइस तो यहाँ पे मेरे कोई भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब गाइस यहाँ पे मुझे अपनी आईडी भी यहाँ पे मैनेज करके देख लेनी है गाइस। हो सकता है कि आप अपनी आईडी वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, वो अपनी आईडी यहाँ पे आपको मैनेज करके देख लेना कहीं आपने सेकंड आईडी पे तो नहीं अपने कॉन्टैक्ट यहाँ पे डाउनलोड कर सॉरी सेव कर रखे हैं। तो इसके बाद आप सेटिंग करने के बाद यहाँ पे साइड में थ्री डॉट बने हुए उस पर क्लिक करना है, यहाँ पे दे रहे हो आपको सेटिंग का ऑप्शन। गाइस जैसे यहाँ पर आप सेटिंग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू इंटरफेस खुल के आएगा, वो भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। गाइस मेरी जो वॉइस है वो थोड़ी अच्छे से इंक्रीज नहीं हो रही है सॉरी, क्योंकि मेरी जो वॉइस यहाँ पे थोड़ी खराब हो चुकी है, मुझे सर्दी हो चुकी है इसलिए।
और गाइस यहाँ पे चूज अकाउंट में यहाँ पे अपना अकाउंट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फर्स्ट अकाउंट कौन से अकाउंट से अपने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लेना चाहते हो तो वो यहाँ पे अपने अकाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो गाइस। अब गाइस यहाँ पे आपको इंपोर्ट पर क्लिक करना पड़ेगा, आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक बिल्कुल भी नहीं करना। आपको इंपोर्ट पर जैसे क्लिक करोगे इंपोर्ट भी पूछेगा फर्स्ट सिम सेकंड सिम, जैसे मुझे फर्स्ट वाले सिम में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट शो कराने। अब जैसे गाइस मैं इंपोर्ट पर क्लिक कर दूंगा, इंपोर्ट बेस क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देख रही हूँ मेरे सर में कॉन्टैक्ट यहाँ पे आ चुके हैं, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट ले लेगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे अपनी आईडी भी मैनेज यहाँ से भी कर सकते हो, या फर्स्ट में सेकंड में कौन से में अपनी आईडी मैनेज करना चाहते हो वो आईडी यहाँ पे यहाँ से भी अपनी मैनेज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बस इंपोर्ट पर क्लिक कर दो, आपका कॉन्टैक्ट पूरे इंपोर्ट हो जाएंगे गाइस। बट मैंने यहाँ से नहीं किए क्योंकि मैंने इसलिए नहीं किया गाइस क्योंकि मेरे फोन में यहाँ पे डबल डबल कॉन्टैक्ट यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा इसलिए। और यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे चूज अकाउंट में यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ। आप इस तरीके से अपने कॉन्टैक्ट पूरे यहाँ पे अपने कर सकते हो, जो आपका जो प्रॉब्लम आपके सामने आ रहा है गाइस। फिर भी अगर आपको कोई भी सवाल जवाब मैंने आपसे बोल दिया, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दूंगा तो आपको यहाँ पे मैं रिप्लाई दे दूंगा। और गाइस अगर आपके फिर भी कॉन्टैक्ट यहाँ पे इंपोर्ट नहीं होता, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक को सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको ऑल सेलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। अब गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे पूरे यहाँ पे कॉन्टैक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। साइड में देख रहा डिलीट के सामने साइड में रिडोट पर डिलीट का ऑप्शन दे रहा है, शेयर का ऑप्शन। जैसे मैं शेयर पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा मेरे जो पूरे कॉन्टैक्ट यहाँ पे एक ही बारी में पूरे यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे। मेरे जो सेकंड एप्लीकेशन है कॉन्टैक्ट का उसमें ऑटोमेटिक चले जाएंगे, वो यहाँ से आपको ट्रैक करके देख लेना है। अगर गाइस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो, मैं आपसे फिर बोला मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, उसका मैं रिप्लाई 100% दे दूंगा, जो आपका प्रॉब्लम यहाँ से बाईपास हो जाएगा। तो गाइस आई होप वीडियो पसंद है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। तुम्हारा भाई, टेक केयर, वंदे मातरम।